सिंगल फेस पैरेलल इन्वर्टर। सिंगल फेस पैरेलल इन्वर्टर जिसमें कि हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, ये उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको भी वन से डिनोट किया गया है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिससे हम आउटपुट लेते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सेंटर टाइप होती है, और इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये कनेक्टेड होती है हमारे सेंटर में से सोर्स वोल्टेज के साथ, और इसकी जो वोल्टेज का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे इंडक्टर एल के साथ और थायरिस्टर वन के साथ। थायरिस्टर वन के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको वी टी वन से डिनोट करेंगे, और इस पॉइंट से हमारे जो थायरिस्टर टू कनेक्टेड होता है जो हमारी प्राइमरी है उसकी लोअर वाइंडिंग के साथ। अब इसके बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है जिसे कम्यूटेटेड कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है। ये कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है कर होता है इसलिए इसे सिंगल फेस पैरेलल इन्वर्टर बोलते हैं। और ये हमारी N1 N2 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स प्राइमरी की और नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी से इससे डिनोट किया गया है, और आउटपुट पे सेकेंडरी से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, और जो आउटपुट पे रेजिस्टर कनेक्टेड होता है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसके अक्रॉस आउटपुट करंट फ्लो होता है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। इस टॉपिक में हम मोड वन और मोड टू करेंगे। मोड टू कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ मोड टू का कुछ पार्ट करेंगे, क्योंकि मोड टू भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम मोड वन देखते हैं। मोड वन में क्या होता है? मोड वन कंडीशन में थायरिस्टर वन हमारा ऑन कंडीशन में होता है और थायरिस्टर टू ऑफ कंडीशन में होता है। जब हमारा थायरिस्टर वन कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो थायरिस्टर टू वर्क नहीं करेगा, और जब थायरिस्टर टू वर्क करेगा तो थायरिस्टर वन वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले हमारा मोड वन में थायरिस्टर वन कंडक्ट करेगा, और इस टाइम पे जो यानी कि जब हम इसके टाइम लेते हैं, जब जीरो बड़ा है टी से, जीरो के बाद की हम करेंगे, जो हम इसकी वेव फॉर्म्स हैं वो जीरो के बाद करेंगे। इसमें जब हमारी सोर्स वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, जिससे एल से डिनोट किया गया है। इस टाइम पे जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट, और इंडक्टर से ये करंट फ्लो होगा, और इंडक्टर से थायरिस्टर वन के थायरिस्टर वन क्या करेगा, थायरिस्टर वन से ये करंट फ्लो होगा। मोड वन में थायरिस्टर वन हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में ही होगा, और ये करंट जाएगा थायरिस्टर वन से यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू। अब इस टाइम पे जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 2Vs के इक्वल होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सोर्स वोल्टेज होती है वो हमारी प्राइमरी की अपर और लोअर दोनों के अक्रॉस इंड्यूस होती है, और या फिर हम अनदर वर्ड्स में यही कह सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की वो 2Vs के इक्वल होगी, यानी कि Vs इसके इक्वल होगी V1, और जो लोअर वाइंडिंग है उसके अक्रॉस Vs, तो टोटल होगी 2Vs के इक्वल होगी। और इस टाइम पे ये जो वोल्टेज होती है, जितनी यहाँ पे वोल्टेज होगी उतनी ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी, यानी जो कैपेसिटर वोल्टेज होगी वो 2Vs के इक्वल होगी, Vs प्लस Vs, इसलिए यहाँ पे ये 2Vs के इक्वल होती है। कैपेसिटर की अपर प्लेट इस टाइम पे पॉजिटिव होती है, लोअर प्लेट नेगेटिव होती है। इस टाइम पे इंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आउटपुट करंट। अब ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? यहाँ से थायरिस्टर वन से करंट फ्लो करके जो करंट फ्लो करेगा थायरिस्टर वन से, उसको IT1 से डिनोट करेंगे। अब ये करंट थायरिस्टर वन से पास होके ट्रांसफार्मर की अपर प्राइमरी की अपर वाइंडिंग से पास होके इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहाँ से ये करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा सोर्स की तरफ। इस टाइम पे थायरिस्टर टू वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ थायरिस्टर वन वर्क कर रहा है, और इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। ये है हमारा मोड वन, और इस टाइम पे आउटपुट पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, जो कि प्राइमरी जितनी होगी उतनी ही हमारी आउटपुट पे वोल्टेज आएगी, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो 2Vs के इक्वल होगी, Vs प्लस Vs इसीलिए, और आउटपुट करंट यहाँ से रजिस्टर की तरफ फ्लो करेगा। कैपेसिटर वोल्टेज होगी 2Vs के इक्वल,
और आउटपुट वोल्टेज होगी सोर्स वोल्टेज के इक्वल, और आउटपुट करंट यहाँ से सेकेंडरी के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, और यहाँ से आउटपुट करंट रेजिस्टर की तरफ फ्लो करेगा। ये तो है हमारा मोड वन। अब हम इसकी वेव फॉर्म्स देख लेते हैं। मोड वन में थायरिस्टर वन हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, यानी कि थायरिस्टर वन कंडक्ट कर रहा है। इस टाइम पे जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो 2Vs के इक्वल होगी। जैसे कि कहा था कैपेसिटर वोल्टेज 2Vs के इक्वल होगी, जो अपर हो वाइंडिंग होती है प्राइमरी की वो Vs, लोअर वाइंडिंग भी Vs, दोनों Vs प्लस Vs इज इक्वल टू 2Vs। तो कैपेसिटर वोल्टेज 2Vs के इक्वल होगी जो कि कंप्लीटली चार्ज होगा कैपेसिटर। और जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज है, इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। इसलिए थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो जीरो होती है। और क्योंकि इसके अक्रॉस थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो इस टाइम पे करंट फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, यानी कि Vs के इक्वल होगा। ये याद रखना, ये करंट सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा और कैपेसिटर वोल्टेज वो 2Vs के इक्वल होगी, यानी कि टू टाइम होगी। और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारी सोर्स वोल्टेज के ही इक्वल होगी। ये तो है हमारा जब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है। इसमें हम और वेव फॉर्म्स देखते हैं, इसमें हम और कंपोनेंट के क्रॉस करंट देखते हैं कैसे रहेगा। जो कैपेसिटर करंट है, इस टाइम पे कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो कैपेसिटर करंट क्या रहेगा, जीरो। कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं है। और सेम टाइम में जो थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट है, इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, थायरिस्टर 2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। थायरिस्टर 2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा, जो कि ये है हमारा मोड 1, जो कि 0 से t इज इक्वल टू 0 के बीच में है। ये है हमारा मोड 1। अब t इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे क्या होता है, थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाता है और थायरिस्टर 2 ऑन हो जाता है। थायरिस्टर 2 कैसे ऑन होता है, अब हम अपने मोड 2 में देखते हैं। अब हम अपने सर्किट में देखेंगे मोड 2 की कंडीशन। मोड 2 कंडीशन में जब हमारा t इज इक्वल टू 0 प्लस है, सिर्फ t इज इक्वल टू 0 प्लस पे देखेंगे कि वो कंडक्टिंग कंडीशन में कैसे आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड होगी, अब क्या होगा, हमारा करंट क्या होगा, इंडक्टर से यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट हमारा इंडक्टर से पास होगा और इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी। अब हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन। इंडक्टर से जो आउटपुट पे आउटपुट करंट फ्लो करेगा जो कि थायरिस्टर 2 की तरफ करेगा, ये करंट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट सोर्स से एल की तरफ, एल से थायरिस्टर 2 की तरफ, थायरिस्टर 2 से जो लोअर वाइंडिंग है प्राइमरी की उसकी तरफ फ्लो होगा, और ये होगा हमारा आउटपुट करंट। और यहाँ से ये करंट इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से ये करंट जाएगा अपर, अपर से यहाँ से टर्न करके फिर से वापस टर्न होगा और टर्न करके जाएगा सोर्स की तरफ। इस तरह से ये करंट फ्लो करेगा। एक बार और देख लेते हैं, सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 2 से लोअर वाइंडिंग, लोअर वाइंडिंग से टर्न करके अगेन सोर्स की तरफ। इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। अब इस टाइम में जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, और इस टाइम पे सर्किट में एक और करंट फ्लो होगा, वो करंट होगा कैपेसिटर से। ये करंट यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से जाके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग पे जाएगा और अगेन कैपेसिटर की तरफ लूप में फ्लो करेगा। अब ये करंट होगा कैपेसिटर करंट। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होगा वो माइनस आईसी के इक्वल होगा। इसको माइनस में इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो कैपेसिटर का करंट है वो ऑपोजिट पोलैरिटी में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
पॉजिटिव प्लेट से फ्लो कर रहा है, वैसे नेगेटिव से फ्लो करता है, ये पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, इसलिए इसे माइनस आईसी से डिनोट किया गया है। जो आउटपुट करंट होगा वो माइनस आईसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट जो कि रजिस्टर की तरफ जाएगा, और आउटपुट करंट हमारे जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। अब हम इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। इसकी वेवफॉर्म में मोड टू, ये हमारा कंप्लीट मोड टू नहीं था, ये सिर्फ ऑन कंडीशन थी, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, जो कैपेसिटर था जो कि करंट को फ्लो करवा था, वो थायरिस्टर वन को कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है। इसे कैसे करता है ये देखते हैं। जैसे ही थायरिस्टर टू के गेट पे IG2 ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, तो कैपेसिटर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटर वोल्टेज जो कि 2 VS तक चार्ज थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिक्रीज होके वो नेगेटिव में आ जाएगी। और ये जो टाइम पीरियड होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको TC से डिनोट करते हैं, यानी कम्यूटेशन टाइम। इस टाइम में कैपेसिटर क्या करेगा, थायरिस्टर वन को कम्यूटेट करेगा, उसे रिवर्स करेगा, थायरिस्टर टू ऑफ रहेगा, ऑफ हो जाएगा, और कैपेसिटर वोल्टेज 2 VS से डिक्रीज होके नेगेटिव में आ जाएगी। और थायरिस्टर वन की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, जैसे ये डिक्रीज होगा तो थायरिस्टर वन की वोल्टेज यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि थायरिस्टर वन अब क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे नेगेटिव में है, तो थायरिस्टर वन यहाँ से नेगेटिव से इंक्रीज होके मैक्सिमम पॉइंट तक आएगी, क्योंकि थायरिस्टर वन अब ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड है यह है कम्यूटेशन टाइम, जिसको TC से डिनोट करते हैं, जिसमें थायरिस्टर वन ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद जो थायरिस्टर वन के क्रॉस करंट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि थायरिस्टर वन इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा, थायरिस्टर वन रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी हमारी डिक्रीज होकर नेगेटिव में चली जाएगी। ये जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल तो होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, माइनस VS के इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो T0 से T1 तक, ये हमारा जो है जिसमें हमारा थायरिस्टर वन ऑफ होता है और थायरिस्टर वन ऑन होता है, थायरिस्टर टू ऑन होता है, इस टाइम में जो कैपेसिटर करंट होगा, कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा, तो कैपेसिटर करंट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे जीरो पे आएगा यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी में, नेगेटिव प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट से जा रहा था, तो इसीलिए जो करंट जो है जो फ्लो कर रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन के ओपोजिट फ्लो कर रहा था, इसलिए कैपेसिटर करंट नेगेटिव से क्या होगा, जीरो पे आएगा। और थायरिस्टर टू के अक्रॉस इस टाइम पे करंट फ्लो करेगा, तो थायरिस्टर टू के अक्रॉस करंट क्या होगा, जो आउटपुट करंट के इक्वल होगा। यह हमारा मोड टू का ऑन टाइम। अभी हमने ये हमारा कंप्लीट मोड टू नहीं है, इसमें सिर्फ ऑन टाइम शो किया गया है मोड टू का। इसका जो कंप्लीट मोड टू है हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।